हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए अपडेट में। अभी हम हैं भादुगढ़ पर, ये जहां आकर मर्ज होता है दिल्ली रोहतक रोड से NH9 के साथ। हम इस वाले पॉइंट पे हैं। अभी वीडियो में मैंने शुरू में दिखाया, हम आए रोहतक सापला की साइड से और जितना उसमें काम हुआ है वो मैंने दिखाया। कुछ हिस्सा बचा है जो ये सेगमेंट्स अभी इस पर नहीं लगे हैं। अभी जैसे ये वाला पार्ट यहाँ नहीं लगे हैं, यहाँ पर वजह थी ये हाई टेंशन की लाइन, इनको ऊंचा किया जा रहा है। ये देखो, ये नए वाले जो पोल हैं ये यहाँ लाए गए हैं, ये लगाए जाएंगे, उसके बाद ये लाइन ऊंची की जाएगी यहाँ से हाई टेंशन की। ऐसे ही पोल वहाँ भी ला के रखे गए हैं, ये अलग अलग पीसेस में ला के यहाँ लगाए जाएंगे। इस फ्लाईओवर की वजह से ये हाई टेंशन की लाइन यहाँ ऊंची चाहिए, नहीं तो गाड़ियों को परेशानी होगी। और यहाँ जैसे ही लाइन ऊंची होगी उसके बाद गर्डर्स यहाँ सामने तैयार रखे हुए, ये रहे, जैसे ये लाइन ऊंची होगी गर्डर्स लगा देंगे। यहाँ अभी कुछ हिस्सा ही बचा है, बाकी यहाँ भी आगे कंप्लीट है काफ़ी काम, क्योंकि इसका जो बता रहे थे इंजीनियर ये जून तक कंप्लीट कर देंगे इसको। ये अप्रैल है, मई जून दो महीने में इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। वहाँ शुरुआत में आपने देखा होगा ब्लैक टॉप DBM का काम वहाँ पे किया है इन्होंने, दोनों सड़कों के ऊपर जो फ्लाईओवर की हैं। और यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं नजफगढ़ रोड की साइड, यहाँ पर भी DBM का काम काफ़ी हो गया है। यहाँ से हम आगे चलते हैं नजफगढ़ रोड की साइड और वहाँ पर DBM का काम हो गया है। और लास्ट टाइम हमें यहाँ के जो इंजीनियर थे शुभम राजपूत जी, उन्होंने बताया भी था कि हम अभी नेक्स्ट स्टेप वहीं जाएंगे और वहाँ DBM का काम करेंगे। और यहाँ जो है इसका जो टारगेट है, इनका जून जुलाई में ये कंप्लीट कर देंगे 7 किलोमीटर का जो हिस्सा है। ब्लैक टॉप बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, सिर्फ फाइनल लेयर एक बची है। थिकनेस को देख के समझ में आता है कि चारों लेयर इस पर हो चुकी हैं। टेक्निकल नाम DBM बोलते हैं इसको। अभी इसका जो सर्विस रोड है उस पर अभी नहीं हुआ है, और जो मेन एक्सप्रेसवे है इस वाले हिस्से में हो चुका है सर्विस रोड। बेसिकली इस पर वैसे तो नहीं है ये पुल, क्योंकि ये फ्लाईओवर के साथ से इसकी एंट्री है, इसलिए यहाँ पे ये सर्विस रोड है। ये वाला वैसे नहीं है, इसके साथ में ये सिर्फ दो ही लेन का हाईवे बनेगा 7 किलोमीटर का। ये यहाँ से सामने जाकर और मेन जो हाईवे है NH9 उससे मिल जाएगा। यहाँ भी फ्लाईओवर के रैंप तक इन्होंने इसको DBM किया है, उसके बाद में जो फ्लाईओवर का हिस्सा उसमें छोड़ दिया है, और सेम यही इन्होंने NH9 पर भी किया है, रैंप वाले हिस्से पे किया है, बाकी हिस्से को इन्होंने अभी फ़िलहाल छोड़ दिया है, वो एक साथ ही ये करेंगे। अभी आगे इनकी मशीनरी लगी हुई है, शायद अभी काम हो भी रहा है इसमें। चलते हैं आगे, चलो। ये हम चल पड़े हैं बिल्कुल नए हाईवे के ऊपर। साइड पे काम हो रहा है अभी लेवल होने का, लेवल कह रहा हूँ सॉरी, DBM का एक साइड में कंप्लीट हो चुका है, एक साइड में अभी यहाँ फाइनल
किया जा रहा है। ये वाली साइड यहाँ देखो, यहाँ भी ये जो अर्थवर्क है ये फाइनल अभी किया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे डीबीएम किया जाएगा। टेम्परेचर देखें, 43 डिग्री इस टाइम। दिन के 4 बजे हैं, शाम के 4 बजे हैं और इतनी गर्मी अभी हो चुकी है अप्रैल में। ये डीबीएम वर्क यहाँ इस वाले हिस्से में है, ये बिल्कुल ताज़ा है, ये शायद आज ही हुआ है। बिल्कुल अभी सॉफ्ट है, कुछ गर्मी भी ज़्यादा है। इस फ्लाईओवर वाले हिस्से में या रैंप वाले हिस्से में ये अभी इन्होंने डीबीएम कर दिया है इस वाले हिस्से में, और ये जो सर्विस रोड है लेफ्ट हैंड साइड पे इस पे भी किया हुआ है। ये है हमारे साथ शुभम जी, यहाँ के हाईवे इंजीनियर। सर कब तक बना देंगे इस हाईवे का को आप? सर हमारा अभी 3 से 4 मंथ का टारगेट है, लगभग मान के चलिए मई या जून तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस वाले पैकेज को, पैकेज 5 को, पैकेज ये UER2 का पैकेज 5 है जी, जो इसको दिल ये द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो इसके फ्लाईओवर हैं, एक तो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला एक हाईवे NH9 को मिलाता है, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे सर जून जुलाई तक? हाँ जी, ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, जून तक कंप्लीट कर देंगे हम इसको। ओके, बहुत सही है, मतलब सभी पैकेज में सबसे पहले शायद आप ही कर देंगे कंप्लीट, पांचों पैकेज में। और सर ये डीबीएम जो है ये अभी कितनी लेयर हो चुकी है यहाँ पर? सर यहाँ पे इंटरमीडिएट टॉप लेयर हो चुका है। ओके, 3 लेयर हमारा हो चुका है जी। और कितनी लेयर टोटल होंगी इसमें? अभी 2 लेयर बैलेंस है हमारा। अच्छा, डीबीएम टॉप लेयर, उसके बाद 50 mm का हमारा SLM है। ओके, वो हम कंप्लीटली बाद में करेंगे, वो फाइनल में होगा जी। ओके, उसके वो सबसे लास्ट में, मतलब वो लास्ट में हम फिनिशिंग वर्क बाद में करेंगे। ठीक है, वगैरह ना आ जाता। तो अभी आप इस वाले हिस्से को कंप्लीट करने के बाद आप इसके आगे वाले हिस्से में जाएंगे? नजफगढ़ रोड से आगे हमारे स्ट्रेस है, उस जी हम अपने मशीनरी को मूवमेंट कराएंगे, उसके बाद जाएंगे आप। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छे। आप इधर में हमारा क्या है, आरीवाल वगैरह थोड़ा बचा हुआ है, बॉक्स वॉक्स, अच्छा टाइम लगना है, उससे आगे की तरफ हम अपनी मशीन में ले। जो ये नाले से आगे थोड़ा सा है वो वाली जगह बता दें आप? यस सर। अच्छा, वहाँ बचा हुआ है कुछ काम? ठीक, चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से काम हो रहा है। और आप इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, ये यही बहुत हिम्मत होती है। 40 डिग्री टेम्परेचर अभी चेक किया मैंने, काफी बढ़ता जा रहा है। हाँ जा रही है जी, बड़ी दिक्कत भी आती होगी ना इस चीज से आपको जी। हाँ चलो सर, बहुत। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, हाईवे इंजीनियर शुभम जी। अभी इन्होंने बताया कि ये इस वाले हिस्से में DBM अभी होगा, अभी ये सफाई चल रही है इससे फाइनल, जो DBM होना इससे पहले। तो अभी ये 4 लेयर में DBM होगा, 325 mm, ये जैसे हुआ अभी ये 3 लेयर हैं, अभी इसके बाद अभी 2 और आनी है। सर ये कितना लेवल हो गया यहाँ पर अभी? ये अभी इसका फर्स्ट लेयर हो चुका है। ओके, कितना लेवल अभी? अच्छा, सेकंड अभी होगा इसमें आगे? जी, सेकंड लेयर चल रहा है हमारा अभी। ओके, अच्छा यहाँ इससे आगे सेकंड लेयर हो गया ये। ओके, ये बिल्कुल ये थिकनेस कितनी हो चुकी सर? ये 160 mm हो चुकी। 160 मतलब कितना कितना के होते हैं चारों लेयर? 80 mm कॉम्पैक्ट लेयर सबसे पहले वाला जी, फर्स्ट 80, सेकंड 80। ओके, उसके बाद 50 mm का है। हाँ जी, और जो डीजन टॉप है वो 75 mm है। 75 टॉप वाला है, उसके बाद SMA, उसके बाद SMA है, वही 50 mm है, वो 50 mm है। ओके, मतलब टोटल हो गया ये
335 mm। ओके, बहुत अच्छी थिकनेस बन जाती है। तो ये हाईवे की वजह से होता होगा सर इतना ज़्यादा? आप डिज़ाइन को देखते हुए किया। अच्छा अच्छा, लोड कैपेसिटी ठीक है, उससे कैलकुलेशन होती है इसकी। ये देखिए यहाँ पे DBM की सेकंड लेयर होते हुए बाजोगढ़ स्तर पर ये हमारे हाईवे इंजीनियर्स का स्टाफ, अब इनसे मिलते हैं। रोहित जी, आप क्या क्या काम देखते हैं यहाँ पर? मैं AQME हूँ, क्वालिटी और मटेरियल का काम मेरा। अच्छा ओके, मटेरियल ये आप देखते हैं। हाँ। ठीक है, ये हमारे शुभम जी। आई एम शुभम राजपूत, आई एम वर्किंग ऑन दिस पैकेज एज एन सीनियर हाईवे इंजीनियर। ओके, ये पूरा पैकेज आप ही देखते हैं? यस सर। अच्छा, क्या क्या काम देखते हैं सर आप? सर मैं अर्थवर्क से लेके और अपना वियरिंग कोर्स तक। अच्छा, जो फाइनल जो होगा। ओके, और सर आप रोहित जी? नहीं नहीं, मैं भूपेंद्र। अच्छा, आप भूपेंद्र, सॉरी, असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर। अच्छा, शुभम जी के नीचे नहीं, मैं अथॉरिटी से हूँ, सुपरविजन करने आया हूँ। अच्छा, आप NHAI से? सर आई एम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। अच्छा अच्छा, हम दोनों कंसल्टेंट से। ओके ओके, आप मतलब बेसिकली इनका सुपरविजन करता हूँ, काम सही चल रहा है। अच्छा, बीच बीच में आते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, फुल टाइम ये होते हैं? अच्छा, शुभम जी फुल टाइम होते हैं, आप बीच बीच में सुपरविजन के लिए आते हैं? चल रहा है काम नहीं चल रहा है, कोई कमी होती है उसको इम्प्रूव कराता हूँ। ठीक है, ऑल ओवर हाईवे का मेरी इंटरेस्ट। अच्छा ओके, तो आप इसको जल्दी ही बनाने वाले हैं? तो 2 से 3 महीने में? विदिन 4 मंथ कम्प्लीट करने। 4 मंथ में? चलो बहुत बढ़िया, उसमें आप इसमें फाइनल कर देंगे लाइटें और ये मीडियन वगैरह सब कम्प्लीट? अच्छा, एंट्रेंसेस ना हुआ तो सक्सेसफुली हुआ। अच्छा चलो सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपका स्टाफ इतना काम करता है गर्मी के में हमारे लिए। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं सर, काम चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, चलो सर का भी ये बेसिकली क्या है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ जी, तो इसको हमें करके देना अक्टूबर तक, डेडलाइन है हमारा। हाँ, बाकी हम पहले ही कर देंगे। चलो तो बहुत बढ़िया सर, और हम भी इसमें बड़ा थैंक्स कहते हैं गडकरी जी को, क्योंकि DDA के अंडर में ये नहीं बनता। DDA को सन 2000 से बना रहा है और वो कभी नहीं बनता अगर गडकरी जी बीच में नहीं आते इसमें। तो हाँ, अभी आए थे कुछ दिन पहले। हाँ 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 हाँ, जहाँ तक है इसका अगस्त तक टारगेट है। हाँ, अगस्त तक में कम्प्लीटली ओपन करा देंगे इसको। आप तो करवा देंगे सर, आपका तो। हाँ जी, ये 3 मीटर का साइकिल ट्रैक भी है। साइकिल ट्रैक भी है इसमें? अच्छा, ड्रेन कम फुटपाथ। अच्छा, ये वाला ड्रेन कम फुटपाथ है, ये फुटपाथ इसके ऊपर बनेगा? फुटपाथ बनेगा। ओके, और ये हमारा साइकिल ट्रैक है, गार्डरेल भी लगेगी जिससे कि जो साइकिल ट्रैक वाले हैं उनको सेफ्टी रहे। अच्छा, ठीक है, बीच में कोई नहीं आ पाएगा, हाईवे के ऊपर कोई नहीं आ पाएगा? अच्छा, साइकिल ट्रैक है तो साइकिल वालों को प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली इसकी जो डिजाइन स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कार्स के लिए। ओके, और जो हैवी व्हीकल है उनके लिए 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पे आप फुटपाथ ही बना देंगे? हाँ, इसके ऊपर फुटपाथ बनेगा बहुत साइड। ओके, मतलब जगह का सभी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा। अच्छा ठीक ठीक, ये बहुत सही हो जाएगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ये DBM करने से पहले सफाई हो रही है इसकी, जो धूल मिट्टी है वो इस पर हटा दी जाएगी, फिर इस पर थोड़ा स्प्रे किया जाएगा जिससे कि इनका ज्वाइंट हो सके DBM का इसके ऊपर। इसको शायद ये कल सुबह शुरू करेंगे इस वाले हिस्से को। ये यहाँ इन्होंने DBM सरफेसिंग का काम जो है फ्लाईओवर के ऊपर जो रैंप वाला हिस्सा है उसमें किया है, और ये जो सर्विस रोड है ये नजफगढ़ रोड तक इन्होंने बना दिया है। उसके बाद में ये जो इसके दूसरी साइड वाली जो सर्विस रोड है उसे कंप्लीट करेंगे। अभी जैसा बताया जो अभी बात हुई हमारी हाईवे इंजीनियर से, उन्होंने ही बताया कि अभी इसको इस वाले हिस्से को कंप्लीट करने के बाद में ये उसके बाद ये आगे चले जाएंगे बाबा हरिदास नगर के पास, और वहाँ से ये DBM का काम करते हुए फिर मेन जो हाईवे है दिचाऊ तक, वहाँ तक ये इसको कंप्लीट करते जाएंगे, और आने वाले 2 से 3 महीने में ये बिल्कुल कंप्लीट इसे कर देंगे। काम में काफ़ी तेजी है और काफ़ी डेडिकेशन से काम किया जा रहा है, तो ये मतलब बिल्कुल पक्का है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इंजीनियर साहब भी कह रहे थे कि कोई परेशानी ना आए तो बिल्कुल हो जाएगा। और जैसे अब यहाँ हमारा आ गया ये फ्लाईओवर नजफगढ़ रोड से जो क्रॉस करेगा, इसमें भी कुछ इनका काम बचा हुआ है, उसके बाद तो सब सरफेस पर ही है।
वो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, और इंजीनियर साहब ने जो बातें बताई उसके अलावा कुछ उनसे पूछना हो तो मुझे बताना, मैं आप उनसे पूछ के बिल्कुल आपको बताऊंगा। ओके भाई लोगों, थैंक यू।